हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ एक सिंपल एंड इजी स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसको मैंने एकदम यूनिक तरीके से बनाया है एंड विद इन 5 to 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अचानक घर में कोई आ जाता है एंड कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, उस टाइम पर आप इसको बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो भी इंग्रेडिएंट इसमें मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए मैंने ये अनियन लिया जिसको चॉप कर लिया है, ये बेसन है, ये पटेटो जिसको ग्रेट कर लिया है, ये राइस फ्लोर है थोड़ा सा, ये कॉलीफ्लावर है जिसको ग्रेट कर लिया है, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, ये चॉप्ड गार्लिक है एंड ग्रीन चिली एंड ग्रेटेड जिंजर, टर्मरिक पाउडर, ये चाट मसाला, गरम मसाला एंड ये कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा मैंने ये हींग भी लिया है। के बाद में सारे इंग्रेडिएंट को एक इस बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और इनको मिक्स करना है। ये अनियन, ये कच्चा आलू था जिसको ग्रेट कर लिया है एंड ग्रेटेड कॉलीफ्लावर, हींग, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, चाट मसाला, ये सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये गार्लिक एंड जिंजर एंड राइस फ्लोर एंड बेसन सब डाल दिया मैंने इसमें। अभी इसको मिक्स बनाकर इस तरीके से इसका एक डो की फॉर्म में कर लेंगे इस तरीके से एंड ये शेप देके हमें इसको फ्राई करना है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, जैसी भी शेप में आप इसको रखना चाहें एंड मेक श्योर ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इस तरीके से शेप, जो भी शेप में आप देना चाहें देके आप इस तरीके से फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे एंड आपकी जो भी गैस का फ्लेम है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है इस तरीके से। इसमें जो भी हमने राइस फ्लोर डाला है उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। अगर नहीं है राइस फ्लोर तो आप केवल बेसन से भी बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत जल्दी बन जाता है एंड सुपर टेस्ट होता है इसका तरीके से। एंड जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आप टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ कर दीजिए तरीके से। काल के एंड लीजिए, ये हमारे इजी एंड गर्मा गर्म स्नैक तैयार है और विद इन 5 to 10 मिनट में आप बना के दे सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और खाने में तो एकदम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।